वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, घरों में होंगे, खुशहाल होंगे, हेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे, मास्क दो गज दूरी का पालन कर रहे होंगे। बाहर से नॉइज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर दिस। और नवंबर के मिड में हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि हरी हरी सब्जियां, अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स अच्छे से मार्केट में अवेलेबल होने लगती हैं। तो प्लीज़ आज के जो भी वीडियो में मेरा रहा है आज का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो चलिए, मैंने मेथी अच्छी धो कर रख ली है अच्छे से, और क्या क्या करके रख लिए हैं, काट कर तीन आलू पील करके अच्छे से रख लिए। और ये देखिए, कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, उसके बाद इसमें मैंने एक चुटकी हींग ऐड कर दी है, काट कर तीन से चार बड़े बड़े जो लहसुन है वो अच्छे से मैंने इसमें डाल दिए हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, इसके बाद अपनी बाकी की सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी इसके अंदर। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हम स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ मैं इसके बाद ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद मैं आलू या सब्जी जो भी है वो ऐड कर दूँगी। ये देखिए, मैंने आलू इसमें ऐड कर दिए, आलू पहले इसलिए डाल दिए मैंने ताकि ये अपना आकार ना खोएं अच्छे से। बड़े जो जितने भी बड़े आलू आप काट कर डाल रहे हैं पहले ही डालें ताकि वो अपना आकार ना खोएं या ज़्यादा गल ना जाएं। उसके बाद मैंने यहाँ अपनी मेथी जो भी है ऐड कर दी है, आलू मेथी दोनों ऐड कर दिए थे, कढ़ाई में डाल दिए हैं तेल के अंदर। अब ये मेथी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो इसलिए मैंने उनको पहले डाल दिया, और सारा ऊपर तक कढ़ाई भर चुकी थी। धीरे धीरे करके जैसे ये हीट लेते हैं ना सब्ज़ी, गर्म सब्ज़ियाँ जितनी भी होती है और हरी सब्ज़ी जितनी भी होती हैं, तो वो देखने में तो ज़्यादा लगती हैं, लेकिन जब वो कढ़ाई में जाती है ना, जैसे ही हम इनको भूनते हैं, भूनते भूनते वो कम होने लगती हैं। तो ये देखिए कम हो गई, पूरी कढ़ाई आधी हो गई थी, कढ़ाई आधी हो गई है। उसके बाद देखिए, मैं नमक ऐड कर दिया सब्ज़ी के अंदर, कढ़ाई के अंदर सब्ज़ी मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद एक अच्छे से स्टर कर दूँगी, सब्ज़ी को चला दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर तीन से चार मैंने मीडियम साइज़ की हरी मिर्ची ऐड कर दी है। नमक डालने के बाद देखिए चारों तरफ पानी निकलने छोड़ना स्टार्ट कर दिया था सब्ज़ी में। रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ ऐड किया है सब्ज़ी के अंदर, आधे चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, और यहाँ देखिए गरम मसाला, धनिया पाउडर आधा चम्मच मैं ऐड कर दूँगी। एक स्टर देने के बाद देखिए एक स्टर दे दूंगी, इसके बाद देखिए पानी निकलने लग गया सब्जी से। इसको अब बिल्कुल ढककर हमें पकाना है। ये देखिए ढक दूंगी इसको एक बार चलाने के बाद। ये देखिए दोबारा से ढक्कन हटाकर मैंने दोबारा से एक बार और इसको सब्जी को चलाकर चेक कर लिया था कैसी हुई बनी सब्जी। पानी जल गया है सब्जी का, और आलू ये देखिए वैसे के वैसे ही हैं। और ये अच्छे से पानी जल चुका था, अब मैं यहाँ पर छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। छोले मैंने उबाल कर रख दिए हैं, ये देखिए आधे कुक हो चुके थे उबलते समय ही। प्याज यहाँ चॉप करके रख लिया है हरी मिर्च के साथ, यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने मांग रिश्ते में कुक कर लिया था, दो टमाटर काट कर रख लिए थे, यहाँ तेल करा है, और इसमें मैंने हल्दी, हींग और दो इलायची, छोटी हरी इलायची जो छोटी इलायची होती है वो डाल दी थी, लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा यहाँ ऐड कर दिया है मैंने। जीरा डालने के बाद मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। देखिए अच्छे से इसको भी हम सारी सब्जियों को अच्छे से अगर लाइट ब्राउन होने तक भूनते हैं ना, तो हमारी जो सब्ज़ी है कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी या कोई भी सूखी सब्ज़ी हम बनाते हैं इसका भी कलर बहुत अच्छा आता है, और सारे मसाले अच्छे से दिखते हैं। हाँ भाई, हाँ मसाले डले हैं यहाँ पे, अच्छे से भुनी हुई है सब्ज़ी, और देखिए इनको अच्छे से एक बार स्टर कर दूँगी लाइट ब्राउन होने तक। ये बबल्स आप देख रहे हैं, यानी कि हमारा जो तेल अच्छे से गर्म था, उसके बाद हमने इसके अंदर सब्जियाँ जो भी हमें मसाले ऐड करने थे, प्याज लहसुन जो भी ऐड करना था वो हमने अब करा है। और यहाँ
यहाँ ऐड कर देंगे अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर में ऐड कर दूंगी। इसके बाद देखिए अभी जस्ट प्याज को टाइम लग गया, मैंने यहाँ टमाटर ऐड कर दिया था और टमाटर ऐड अच्छे से इसको भून लेना है ताकि इसमें से भी बबल्स आने लगे। उसके बाद टमाटर डालने के बाद हमें अच्छे से तुरंत ही नमक ऐड कर देना चाहिए ताकि अच्छे से जो हमारा टमाटर है, टमाटर जो भी हमें डाले सब्जी में एक या दो अच्छे से गल जाए, अच्छे से ग्रेवी बन जाए। टमाटर डालने से ये ना ग्रेवी बन जाती है। और यहाँ देखिए मैं मसाला अलग से कटोरी में डाल दूँगी। एक चम्मच मैंने यहाँ पर रेड चिली का पाउडर ऐड किया है, एक से थोड़ा सा आधा ज़्यादा मैंने यहाँ ऐड किया और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है। और देखिए गरम मसाला ऐड कर दूँगी और हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी आधा चम्मच। और यहाँ देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, बबल्स देख रहे होंगे आप। धीमे धीमे आंच पर अच्छे से आपको अच्छे से इसको मैं अब चला दूंगी और अपनी सब्जी को अच्छे से भून लूंगी ग्रेवी को। और कलर देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छे से, बबल्स तेल सेपरेट हो रहा है साइड से सब्जी में। और इसके बाद जो हमने छोले जो उबाले थे बाद में वो ऐड कर दूंगी इसी ग्रेवी में। देखिए साइड से तेल सेपरेट मसाला ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो एवरेस्ट का या फिर कैच का, या आप आमचूर भी इसमें ऐड कर सकते हो, आधा चम्मच आमचूर पाउडर। ये ना छोलों में क्रंचीनेस आ जाती है, बहुत अच्छे से टैंगीनेस आ जाती है, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ऐड भी किया है ये आमचूर पाउडर जो मैं डाल रही हूँ। और यहाँ देखिए अच्छे से छोले भी पक रहे हैं, अच्छे से बना लेंगे, अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ, अच्छे से इसको भून लेंगे। उसके बाद हम पानी वगैरह, मैंने यहाँ देखिए धनिया ऐड कर दी थी इसी में, भूनते भूनते ही मैं इसमें धनिया वगैरह ऐड कर दी ताकि फ्रेग्रेंस जो है ना धनिया की दूसरा पहला पराठा सिक चुका है, दूसरे पराठे की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर मैं। और ये देखिए अच्छे से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है पेड़े को,
और फिर इसको आटा लगाकर थोड़ा चकले पर मैं बेल लूँगी। ये देखिए अच्छे से इसको थोड़ा मोटा ही बेलना है, जैसे हमने पहला वाला बेला था, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अच्छे से इसको चारों तरफ से बराबर आकार में थोड़ा मोटा बेलना है। और ये देखिए बेल गया है हमारा आज अभी का पराठा दूसरा। ये सब्जी वाले पराठे जो होते हैं, कुछ भी अगर हम डालकर बनाते हैं तो पराठे नहीं मतलब फूल नहीं पाते हैं। तो ये देखिए पहला पराठे में मैं तेल लगा रही हूँ, एक तरफ से लगा लिया तेल मैंने, दूसरी तरफ से ये तेल लगाया मैंने यहाँ पर। उसको अच्छे से दबा दबा कर हमें सेकना है। ये देखिए अच्छे से बराबर बराबर आपको अच्छे से इसको सेकना है। यहाँ देखिए पराठा सिक चुका है और ये पहला पराठा अच्छे से सिक गया है। और इसके बाद ये देखिए अच्छे से दबा दबा कर सेकना है हमें। ये देखिए दबा दबा कर इसलिए ताकि कच्चा ना रह जाए, सब्जी इसमें डाल रखी है मैंने इसलिए। और अब जो दूसरा पराठा है उसे हम तवे पर डालेंगे और उसको भी अच्छे से दोनों साइडों से तेल लगा कर पका देंगे इसी तरह। ये देखिए मैंने डाल दिया, पहला पराठा डाला है ये मैंने, उसके बाद अभी दूसरा पराठा ये जो है दूसरा पराठा डाला है और उसको भी अच्छे से दोनों साइडों से पका लूँगी मैं, और दोनों साइडों से पकाऊँगी। ये देखिए पहली साइड से पक चुका है, ये देखिए पहली साइड से पक गया, पहली साइड से पक चुका है। उसके बाद अच्छे से इसमें तेल लगा दूंगी ऊपर से। ये देखिए पक गया है, फूलने का मतलब है चारों तरफ से पक चुका है और अच्छे से इसमें स्पेस है, जितना स्पेस होता है उतना तो ये पराठे फूलते ही हैं। बाकी ज़्यादातर इसलिए ही फूल पाते क्योंकि इनके अंदर जो वेजिटेबल्स होती हैं वो होती हैं। और ये देखिए इस स्पैचुला से दबा दबा कर आपको इसे अच्छे से सेकना है तवे पर। और ये देखिए अच्छे से ये साइडों से चारों तरफ से आपको अच्छे से पकाना है, दबा दबा कर आपको सीखना होगा। ये देखिए ज़्यादा वीडियो नहीं थी आज की, तो यही मेरा हो गया सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रूटीन, यहीं तक थी मेरी वीडियो। ये देखिए पराठा छोले चावल और सब्ज़ी तैयार है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।